के साथ दौड़ रहा है, कभी कहता है ईवीएम ठीक नहीं है, बटन दबाओ भाजपा को वोट चला जाता है। अरे पूरी जनता भाजपा को लिए वोट कर रही है, आप कैसे रोकेंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस, देश के नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं जब वो उपस्थित होती हैं। ममता बनर्जी को डर लगता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई हैं। और इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है इलेक्शन कमीशन बदनाम हुआ ममता दी तेरे लिए, इलेक्शन कमीशन बदनाम हुआ ममता दी तेरे लिए। अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो प्रदेश के सीईओ हैं इलेक्शन कमीशन, वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कोविड के समय में भी, और ये लोग नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, केवल और केवल बुराई करना, बेबुनियाद आरोप लगाना, यही इनका चरित्र है। और तीसरी बात मैं एक और कह दूं, देखिए बीजेपी जो है वो सेट कर रही है कि एजेंडा क्या होगा, चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, या दक्षिण भारत के राज्य हो, और ममता बनर्जी। लेकिन 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 आप पे गौरव अब मेरे गौरव आप मेरे, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए आप जो बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिस पर अटैक हुआ, जिसकी मौत हो गई, क्या आप उनकी लाश पर राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी का झंडा लिपटा हुआ था उस महिला के ऊपर, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर, आपके लिए मौत के राजनीति का बहाना है या आप पे आरोप लग रहा है? अमीश देवगन जी, मैं आपको बता दूं, कोई कार्यकर्ता अगर होता है और वो कर्तव्य परायण होता है, निष्ठावान होता है, तो किसी पार्टी का झंडा अगर डालते हैं पार्थिव शरीर में तो ये गर्व की बात होती है। बेटे की इच्छा रही तो झंडा लगा, लेकिन प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्होंने ये हालत कर दी कि 85 वर्ष के बुजुर्ग महिला के प्रश्न पूछा गया, उनसे प्रश्न पूछा गया, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे, क्या आपके लिए राजनीतिक सीढ़ी है वो बुजुर्ग महिला? मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 130 जाबाज जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारी पार्टी के लिए निष्ठावान थे, उनकी कुर्बानी दी है। और जब 2 मई ममता गई होगा ना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो आप देखिएगा यही सच्ची श्रद्धांजलि 130 कार्यकर्ताओं को होगी। और ये कोई लाशों पे जो राजनीति होती है, ये राजनीति प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी करते हैं, हम असूलों की राजनीति करते हैं। शोभा मजुमदार की लाश पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है? यही ममता बनर्जी का आरोप है, यही टीएमसी का आरोप है कि शोभा मजुमदार की लाश पर आप अपनी सरकार बनाएंगे बंगाल के अंदर, यह आपका राजनीतिक शिष्टाचार है गौरव? अमीर जी, अगर किसी की जान इसलिए चली गई कि टीएमसी के गुंडों ने पीटा और कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो उसके लिए किसके पे आरोप लगेंगे? सरकार पे लगेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी पे तो नहीं लगेंगे। किसी को श्रद्धांजलि देना गलत नहीं हो सकता, उनके बेटे और उनके परिवार के साथ हमारे वरिष्ठ नेता खड़े रहे हैं, अमित शाह जी खड़े रहे हैं, क्या ये अच्छी एक प्रथा नहीं है कि किसी का दुख बांट सके? और यहां पे हमसे सवाल पूछे जा रहे जो दिल्ली में दंगा करवाते हैं, असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ हैं, दुर्गंध फैला रहे हैं, जो ये बताते हैं कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है और भूपेन हजारिका जी नहीं है, गोपीनाथ बरदलोई जी नहीं है, वो हमें बताएंगे कि राजनीति कैसे होगी? जिनके पास आदर्श नहीं, नेता नहीं, नीति नहीं, वो हमें बताएंगे राजनीति कैसे होगी? ठीक 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 है, मैं सीधा रुक करता हूं, मैं रिएक्शन ले लेता हूं तौसीफ खान से। तौसीफ खान, क्या आपको लगता है कि बंगाल के अंदर शोभा मजुमदार की जो निर्मम हत्या की गई, यानी उन्हें पीटा गया, वो 1 महीना अस्पताल में रही, उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, और दूसरे राउंड से पहले, क्या वाकई भारी पड़ रहा है ये ममता दीदी पर और पूरी टीएमसी के ऊपर? नहीं, ये भारी पड़ रहा है बीजेपी पे, क्योंकि बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कैमरा में कहा है कि वो बहुत संतुष्ट है इलेक्शन कमीशन के काम से। 2-3 दिन पहले का ये बयान है उनका, जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन कंप्लीट हुआ। पर शोभा मजुमदार को मारा किसने? ऐसी हिंसा असम में तो देखने को नहीं मिली, ऐसी हिंसा केरल में तो देखने को नहीं मिली, तमिलनाडु में तो देखने को नहीं मिली, पांडिचेरी में तो देखने को नहीं मिली, बंगाल में क्यों? अशोक डुंडा के काफिले पर हमला हुआ, अभी शॉर्ट्स में दिखा रहा था, ऐसा क्यों? पहली बात शोभा मजुमदार बीजेपी की मेंबर नहीं है, उनका बेटा मेंबर है, आज देश का प्रधानमंत्री बोले हैं, उनका बेटा मेंबर है, उस विचारधारा से अगर वो आते हैं तो उनकी माँ को मार दिया जाएगा। पुलिस का बयान, ये राजनीतिक का कौन सा दौर है, कौन सा शिष्टाचार है टीएमसी का? पुलिस का तो बयान आया था
कि ये राजनीति इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, ये इनका आपस का कुछ मामला है। अच्छा, उनका एक और रिश्तेदार है ने कहा था, ये सारे बयान है रिकॉर्ड में, अगर पुलिस से शिकायत है पिछले एक महीने से मॉडल कोड अशोक गिंडा की काफिले पर हमला क्यों, इलेक्शन कमीशन के मुट्ठी में है पुलिस। आप क्या कहते हैं कि आप बहुत संतुष्ट है इलेक्शन कमीशन से? तृणमूल तो हमेशा कंप्लेन कर रही है, तृणमूल कह रही है कि ईवीएम मेल फंक्शनिंग हो रहा है, सेंट्रल फोर्सेस जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटर को कि जाके बीजेपी को वोट दो। तृणमूल कह रही है कि तृणमूल के लड़के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। तृणमूल तो शिकायत कर रही है, बीजेपी क्यों नहीं शिकायत कर रही? जब गौरव भाटिया जवाब शिकायत है पुलिस से, अगर बीजेपी को शिकायत है तो वो जाकर के इलेक्शन कमीशन से शिकायत करे, वो तो इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, अब आप गौरव भाटिया को बोलिए। ये माजरा ऐसा है कि बंगाल में मदद करने के लिए नंदीग्राम के लोगों पे भरोसा नहीं है क्या? नंदीग्राम के लोग क्या बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है? एक बंगाल की जो जनता है उसमें 50% महिला जो है वो ममता बनर्जी को वोट देने वाली है। 50% 50% के ऊपर सारा वोट जो है उसका लड़ाई है। अब कुछ वोटरों को भी वसीफ जी कुछ वोटरों को भी तय करने दो कि सब कुछ आप ही तय कर दोगे कि 50% महिलाओं का वोट तो मिल जाएगा इधर। कुछ वोटरों को भी तय करने दो वो कहाँ वोट डालेंगे कहाँ वोट नहीं डालेंगे। कुछ वोटरों को भी तय करने दो, कुछ उनके भी हवाले छोड़ दो। आप तो पूरा बाइफिकेशन बता रहे हो, 50% महिलाएं वोट डाल देंगी, जैसे आप एक टीएमसी के कार्यकर्ता और आप अपनी नेता को बता रहे थे कि 50% तो वोट वहां से आ जाएगा, 25% वो हो जाएगा, तो 75% तो आपका फिक्स है, बाकी 25% की लड़ाई है सारी। नहीं, ये एक 50 आपने तो पूरा बाइफिकेशन कर दिया। ओके ठीक है, अच्छा तौसीफ ममता बनर्जी को महिला के नाम पे वोट दिया जाएगा। ममता बनर्जी पे हमला हुआ, ममता बनर्जी व्हीलचेयर पे है। जवाब 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 देंगे गौरव भाटिया, ममता बनर्जी को जाएगा। ठीक ठीक है गौरव भाटिया जवाब। देखिए, ममता बनर्जी पे ऐसा हमला हुआ कि जब उनसे पूछा गया बाद में उन्होंने ही पलटी मारी और कहा कि हमला नहीं था, भीड़ आ गई, मुझे धक्का लगा और उसके बाद चोट लग गई। और आज तो एकदम से आप देखिए क्या हो गया अमित जी, वो खड़ी हो गई थी आज, प्लास्टर एक दिन में कटा, आज तो वो खड़ी हो गई। ये तो चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार हो रहा है आजकल, चमत्कार कर रही है ममता दीदी। और दूसरी बात, नंदीग्राम में बाहरी कौन है आप बताइए? नंदीग्राम में अगर इनका बाहरी का तर्क मान ले तो नंदीग्राम में तो बाहरी ममता बनर्जी है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, भारत में, भारत की भूमि में कोई बाहरी नहीं हो सकता। बाहरी है तो रोहिंग्या वाले हैं, जिनको आप अपना भाई बना के अपने ऑफिस में बैठा के किताबें पढ़ाते हैं। उनको किताबें मत पढ़ाइए, खुद पढ़िए और जानिए कि बाहरी लोगों को बाहर भेजना है। और तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये जो खून बहाया जाता है ये टीएमसी के गुंडे करते हैं। 130 हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया। और चुनाव का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई मुख्यमंत्री है तो लॉ एंड ऑर्डर। बड़ी खबर मैं आपको लेटेस्ट विजुअल दिखा रहा हूं, बंगाल में जो कि शोभा मजुमदार के साथ हुआ उसके बाद एक कैंडल लाइट मार्च हो रहा है। आप देख सकते हैं शोभा मजुमदार के समर्थन में आम लोग सड़कों पर उतरे हैं, ऐसी खबर आ रही है। ये विजुअल इस समय ताजा हमें दिखाई दे रहे हैं।